वेलकम दोस्तों, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। हमने केमिकल काइनेटिक्स के 89 न्यूमेरिकल सॉल्व किए अब तक। अब आगे हम जाएंगे 90 से, हम आगे आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आज का न्यूमेरिकल जो है वो है 90 नंबर का। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। तो 10 मिनट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। स्टार्टिंग विथ 12 मोलर कॉन्सेंट्रेशन द रेट आफ्टर 20 मिनट इज। तो हमें टी हाफ दिया हुआ है, कितना है टी हाफ का वैल्यू 10 मिनट। हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो दिया है, कितना 12 मोलर, और क्या पूछा है रेट एट 20 मिनट पूछा है, बराबर है। तो टी हाफ दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, रेट आफ्टर 20 मिनट पूछा है। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट एट गिवन टाइम अगर हमें चाहिए तो हमें कौन सी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 मिनट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 20 मिनट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट गिवन इंस्टेंट को हम एक्टिव मास भी बोलते हैं, एक्टिव मास यानी ही मोलैरिटी होती है। तो हमें अगर K की वैल्यू मालूम हो जाए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट 20 मिनट मालूम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 मिनट निकाल सकते हैं। अब K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है तो K की वैल्यू निकालने के लिए हमें झट से एक फार्मूला याद आ गया। K इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0.693 अपॉन क्या है रेट टी हाफ, जो कि 10 मिनट है। अब आंसर भी पर मिनट दिए हुए हैं तो हमने K का वैल्यू भी पर मिनट निकाला, इसलिए टाइम मिनट में लिया। तो कितना आएगा 0.0693 पर मिनट, तो ये आ गया K का वैल्यू। अब जिस तरह से हमें K मिला उसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर 20 मिनट्स निकालेंगे। अब देखिए, हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई, 12 मोलर, बराबर है। 10 मिनट में जो कि टी हाफ की वैल्यू है, कितना आधा रिएक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, आधा 12 मोलर में से आधा रिएक्ट होगा तो आधा बचेगा 6 मोलर। दूसरे 10 मिनट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका टी हाफ कांस्टेंट रहेगा, तो दूसरे मिनट में भी आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा, 6 में का आधा यानी 3 रिएक्ट होगा तो 3 मोलर बच जाएगा। तो आफ्टर 20 मिनट ऑफ टाइम इंटरवल हाउ मच मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, 3 मोल्स बाकी बचे, 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या भाई बाकी बचा है। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट 20 मिनट ये भी मिल चुका है, कितना है उसका 3 मोलर। तो व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू के, के की वैल्यू कितनी है 0.0693 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 3। तो हमें ऐसा कुछ तो भी ऑप्शन चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कहाँ है, 0.0693 इंटू 3 मोलर पर मिनट, तो आंसर इज लाजरी। तो इस तरह से बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या गिवन है और क्या ढूंढना है वो पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, एक बार वो समझ में आए तो हम आंसर के पास जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के पास हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो होगा 91 नंबर का। 91 नंबर का सवाल देखो आप किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 12.5%। तो हमें रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की दी हुई है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज रिड्यूस टू 12.5%। ये रिड्यूस बाय एंड रिड्यूस टू इस शब्दों के तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 12.5% इन 1 आवर, वेन वॉज इट हाफ कंप्लीटेड। तो आधी कब कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो रिएक्शन हमने शुरू की और रिएक्शन शुरू की तो एक घंटे में कॉन्सेंट्रेशन कितना बाकी बचा है, रिड्यूस टू मतलब बचा हुआ, रिड्यूस बाय मतलब रिएक्ट हुआ हुआ, तो रिड्यूस टू बोला है 100 से वो 12.5 हो गया, मतलब 12.5% रिएक्टेंट बाकी बच गया, तो रिएक्ट कितना हो गया 87.5। तो रिड्यूस टू का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन 100 से कितना हो गया 12.5 हो गया, मतलब रिएक्ट कितना हो गया 87.5%, बराबर है। अब हमें मालूम है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 87.5% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 3 times T हाफ, क्या होता है 3 times T हाफ, और हमें हाफ कंप्लीशन के लिए टाइम पूछा है तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, टी 87.5% अपॉन क्या है बच्चों 3। तो 3 87.5% का आंसर कितना है भाई 1 आवर है, बराबर है। हाफ लाइफ पीरियड कितना है इसका,
वन आवर है, ये देखो हाफ लाइफ पीरियड वन आवर का दिया है, वन आवर यानी कितना है 60 मिनट। क्यों मैंने 60 मिनट में लिया, क्योंकि आंसर सारे मिनट में है, सिर्फ ये अकेला 3 आवर है, बराबर है। तो 60 मिनट डिवाइड बाय कितना है 3, तो अगर मैं 60 को डिवाइड बाय 3 करूंगा तो कितना आएगा आंसर 20। तो हाफ कंप्लीटेड कितना होगा 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा ए। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, 92 नंबर का सवाल है। अब देखिए 92 में वो क्या कहता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर इनडिपेंडेंट चाहिए, बोलते टी हाफ, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और स्टेटमेंट ट्रू होता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बहुत ही आसान सवाल था ये। नेक्स्ट स्लाइड के तरफ जाते हैं, नेक्स्ट है 93 नंबर का सवाल। तो देखिए 93 नंबर के सवाल में क्या पूछा है हमें, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 14.26 मिनट, कैलकुलेट टाइम व्हेन 5% ऑफ द रिएक्टेंट इज। अब देखिए थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा स्लाइड को, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें अब। तो टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 14.26 मिनट, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, टी हाफ की वैल्यू दी हुई है, देखिए जरा इधर, कैलकुलेट टाइम व्हेन 5% ऑफ द रिएक्शन इज लेफ्ट, 5% ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट ऐसा पूछा है। देखो आपको अब सही तरह से दिखाई देगा, देखो तो टी हाफ दिया हुआ है 14.26 और हमें 5% ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट, 5% रिएक्टेंट लेफ्ट हुआ है, मतलब कितना रिएक्ट हुआ भाई 95% रिएक्ट हुआ है। अब हमें टाइम रिक्वायर्ड फॉर 95% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो 100 से हमने स्टार्ट किया था, 5 बचने को होना, मतलब कितना रिएक्शन रिएक्ट होनी चाहिए 95% रिएक्टेंट रिएक्ट होना चाहिए, 95% रिएक्शन होनी चाहिए। तो अब टाइम 95% कंप्लीशन के लिए कितना लगेगा, तो टी हाफ दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया है टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू दी है 14.26 मिनट, तो हम इसे 14 मिनट ही ले लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन पर्पज के लिए फिर आसान जाएगा। अब 95% कंप्लीशन हुआ है, तो 95% कंप्लीशन के लिए तो नहीं, लेकिन हमें 93.25% कंप्लीशन के लिए एक रिलेशन मालूम है। 75% कंप्लीशन होने के लिए 2 टी हाफ, 87.5% कंप्लीट होने के लिए 3 टी हाफ, एंड 93.25% कंप्लीशन होने के लिए 4 टी हाफ लगते हैं, ये हमने देख लिया है। अब 95 एंड 93.25 थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो हम 93.25% कंप्लीशन के लिए समय निकालेंगे, और उसके लिए क्या है 4 टी हाफ है। अब कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैंने 14.26 को हमने क्या किया 14 ले लिया, मतलब कितना रहे 14 फोर 56 आएगा, तो 56 के आसपास आंसर होना चाहिए। अब 56 के आसपास आंसर होना चाहिए, कम की ज़्यादा, तो देखो हमने 14.26 को 14 लिया है, बराबर है 14.26 को 14 लिया है, इसलिए हमारा आंसर कम आया था। अगर 14.26 लेते तो आंसर 56 से ज़रूर क्या आता, ज़्यादा आता, इसलिए आंसर 56 के करीब चाहिए, लेकिन 56 से ज़्यादा चाहिए, तो आंसर क्या आएगा ए चाहिए। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं 14.26 भी लेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 14.26 लेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन फिर मतलब हमें आंसर में श्योरिटी बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये था नेक्स्ट सवाल, 75% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन 4 आवर, 87.5% ऑफ द सेम रिएक्शन कंप्लीट्स इन, तो हमें इधर ध्यान देना पड़ेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एंड तो उसका टी हाफ 75% कंप्लीशन हुआ है कितने में 4 आवर में, तो 87.5% ऑफ द सेम रिएक्शन कंप्लीट सीन है। तो आपको टी 75% के लिए समय मालूम है कितना रहे 1.5 टी हाफ, तो हम टी हाफ निकाल लेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कितना है 4 आवर अपॉन 1.5, बराबर है। इस टी हाफ को एज इट इज रखेंगे, कोई कैलकुलेशन आगे नहीं करेंगे, आगे करना ही है। अब टी 87.5% कंप्लीशन के लिए कितना है भाई 1.75 टाइम्स टी हाफ है, बराबर है। तो 87.5% कंप्लीशन के लिए कितना टी हाफ लगता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1.75 टी हाफ, तो 1.75 इंटू टी हाफ की वैल्यू रख देते हैं 4.1.5,
15 वनजा 15, बचे कितने रहे दो, 15 वनजा 15 बचे कितने 10, और 15 सिक्सा 90 बचे कितने 10, 1.666666 रखने आएगा, तो 1.6 इंटू 4 कर लो, कितना आएगा रे 6.4 के आसपास आएगा, तो 6.4 के आसपास आंसर आएगा। अब 6.4 के आसपास कौन सा है, तो आंसर इज ए। एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करनी है हमें, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से 6 आवर के आसपास आंसर होना चाहिए, तो आंसर इसके आ रहे ए। अब नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ जाएंगे। फॉर द रिएक्शन ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस रेट कॉन्स्टेंट इज गिवन एज, तो रेट कॉन्स्टेंट यानी के निकालना है, पीआई दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर एंड पीटी दिया हुआ है प्रेशर एट टाइम टी, तो इतना गिवन है और इस गिवन से हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखिए हम अच्छे से अब इसे सॉल्व करेंगे। ये भी जब पार्शियल प्रेशर की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल क्या लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन अगर सही ढंग से जाओगे तो आपको बहुत आसानी से उसका वैल्यू उसका आंसर कैलकुलेट करते आएगा। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन गैसियस है भाई, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, रिएक्शन दी हुई है। इनिशियली कंडीशन क्या है, सिर्फ पी ए ही प्रेजेंट होगा, ए ही प्रेजेंट होगा तो पूरा का पूरा प्रेशर ए का ही होगा, तो इनिशियल प्रेशर सिर्फ ए का है, इसलिए मैंने ए का प्रेशर कितना लिखा, पी आई। अब इनिशियली बी और सी तैयार हुए नहीं है तो उनका प्रेशर कितना होगा, जीरो जीरो। तो टोटल प्रेशर इनिशियली कितना है, पी आई, और जो भी पी आई प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, ए की वजह से। जब हम टाइम टी की बात करेंगे, अब जब टाइम टी इज इक्वल टू टी होगा, जीरो से टी हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ ए रिएक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कम होंगे तो उसका प्रेशर भी कुछ ना कुछ कम होगा। तो ऐसा समझो कि जब टाइम टी में कुछ मोल्स ऑफ ए रिएक्ट हो गए तो उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो लेट द डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज एक्स। लेकिन जितने मोल ए रिएक्ट होता है उतने मोल बी तैयार होता है, समझो एन मोल ऑफ ए रिएक्ट हो गया तो एन मोल ऑफ बी तैयार होगा, एन मोल ऑफ ए का प्रेशर एक्स है तो एन मोल ऑफ बी का भी प्रेशर कितना होगा एक्स, क्योंकि जितने मोल ए के रिएक्ट होंगे उतने मोल बी के तैयार होंगे। इसका मतलब जितना प्रेशर ए का डिक्रीज होगा उतना ही प्रेशर बी का बढ़ेगा। सेम थिंग हैपन्स विद सी, उसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए के बराबर है, तो जितने मोल ए के डिसअपीयर होंगे बराबर उतने मोल सी के तैयार होंगे, इसलिए सी के भी उतने मोल तैयार होगा तो उसका भी प्रेशर कितना है एक्स। और इन सब की सम कितनी बताई है भाई, पी टी बताई है, तो पी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो बच्चों, पी आई प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स। अब पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स है तो माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा रे, पी आई प्लस एक्स आएगा, तो पी टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, पी टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ, पी टी माइनस देखो ये थोड़ा सा ए मिल चुका है, तो पी टी माइनस पी आई, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पी टी माइनस पी आई, बराबर है, तो एक्स भी मिल गया। अब हमें रेट कांस्टेंट पूछा है और वो भी एट टाइम टी के लिए, तो टाइम टी के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 2.303, टाइम कितना है टी है, लॉग टू द बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन कितना पहला इनिशियल ए और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी कितना है ए माइनस एक्स, हम ए की वैल्यू डालेंगे एंड ए माइनस एक्स की वैल्यू डालेंगे, तो ये यानी भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन गैसियस रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल प्रेशर, बराबर है, ए माइनस एक्स कितना होगा, ए यानी इनिशियल प्रेशर है एंड पी आई, एंड एक्स यानी क्या है पी टी माइनस पी आई, तो x की वैल्यू डाल दी pt माइनस pi, तो a माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, pi माइनस माइनस प्लस pi, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आएगा यहाँ पे ट्वाइस pi माइनस pt, तो ये माइनस x की भी वैल्यू मिल गई, a की तो वैल्यू पता ही थी, इसलिए हम क्या करेंगे 2.303 अपॉन t log टू द बेस कितना रहे 10, a की वैल्यू है pi एंड a माइनस x की वैल्यू है ट्वाइस pi माइनस pt, तो दिस शुड बी अवर आंसर। तो देखो ऐसा आंसर कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा आंसर देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे
वाइस पी आई माइनस पी टी। तो बहुत ही आसान से सवाल होते हैं ये, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आसानी से ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ हम जाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो सवाल है उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। फॉर द सेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स के वन, ए प्लस बी गिव्स सी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में के वन दिया हुआ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में के टू दिया हुआ है, बराबर है। सेकंड रिएक्शन है सी प्लस बी गिव्स के थ्री, बराबर है डी। अब हमें पूछा है के वन इंटू ए इंटू बी माइनस के टू इंटू सी माइनस के थ्री इंटू सी इंटू बी इज इक्वल टू, तो हमें अब ये सब कुछ निकालना है। किस तरह से हम निकालेंगे, तो देखो ये जो है के वन इंटू ए इंटू बी, ये तो भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट लॉ दिखाई दे रहा है, तो ए आर वन की वैल्यू है, आर वन इज इक्वल टू के वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब के टू इंटू सी, के टू इंटू सी जरूरी है क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है, तो ये रिएक्शन ये जो रेट है इस आर वन को मैं आर एफ बोलता हूँ और इसको मैं आर बी बोलता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एफ वन लिखूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन वन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, के वन इंटू ए इंटू बी, रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन वन क्या आ रहा है, के टू इंटू सी है, बराबर है। माइनस के थ्री इंटू सी इंटू बी, तो ये क्या है भाई, आर थ्री का रेट है, मतलब सेकंड रिएक्शन का रेट है, तो उसे आर टू लिखेंगे, तो क्या है के थ्री इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बराबर। अब ये रेट्स है, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड सेकंड रेट का रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इन तीनों का डिफरेंस लिया है, तो जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वन माइनस रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन वन ये डिफरेंस लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट रेट मिलेगा पहले स्टेप का। अब इसमें से जब मैं माइनस करूँगा रेट ऑफ रिएक्शन टू, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये है रेट ऑफ रिजल्टेंट रेट, यानी क्या है भाई, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, तो प्लस डी सी बाय डी टी, बराबर है। और आर टू क्या है भाई, आर टू यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी एक रिएक्टेंट के टर्म में बता सकता हूँ, तो आर टू क्या है, माइनस डी सी बाय डी टी। तो जब प्लस डी सी बाय डी टी एंड माइनस डी टी बाय डी सी बाय डी टी, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट एंड बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है, मतलब सेकंड रिएक्शन का हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट रेट। तो ये जो है ये क्या है, रिजल्टेंट रेट ऑफ क्या है, रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, हम रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी लिख सकते हैं, तो ये रिजल्टेंट रेट मिल जाएगा हमें इन टर्म्स ऑफ सी। तो इस तरह से आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, या फिर हम इसे प्लस डी सी बाय डी टी भी बोल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस डी सी बाय डी टी भी बोल सकते थे, क्योंकि रिजल्टेंट रेट में सी रिएक्ट हो रहा है और सी तैयार हो रहा है, तो सी रिएक्ट होने का एक रेट और सी फॉर्म होने का एक रेट, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें नेट रिजल्टेंट रेट मिलेगा इस रिएक्शन का, और इस रिएक्शन का रिजल्टेंट रेट क्या है, फिर माइनस डी सी बाय डी टी। तो ठीक है, इसे भी हम देख लेते हैं। अब देखो 97 नंबर का एक सवाल है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस एन टू ओ फाइव गिव्स फोर एन टू प्लस ओ टू, द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू फाइव एट 45 डिग्री सेल्सियस, 90% ऑफ द एन टू ओ फाइव रिएक्ट इन 3600 सेकंड, द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज। तो 45 डिग्री सेल्सियस पर 90% ऑफ द एन टू फाइव रिएक्ट हो गया कितने में, 3600 सेकंड में, वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज। अब वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट निकालना है तो हमें 0.693 अपॉन टी हाफ ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कहीं पे भी इसने टी हाफ की वैल्यू नहीं दी है, तो हम टी हाफ निकाल सकते हैं कैसे भाई, हमें मालूम है 90% कंप्लीशन इज इक्वल टू 3.3 टाइम्स टी हाफ, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, टी 90 अपॉन 3.3, तो टी 90 की वैल्यू क्या है, 3600 अपॉन कितना रहे, 3.3, बराबर है। टी हाफ की वैल्यू कितनी आएगी, 3600 अपॉन 3.3। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो 36 आंसर किसमें, पर सेकंड में ही है, तो रहने दो उसे ही, तो k इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0.693 अपॉन
3600 अपॉन 3.3, तो इस 3.3 को ऊपर भेजना पड़ेगा, 0.69 को हम 7 ले लेते हैं, ये 3.3 अपॉन कितना रहे 3600। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो 0.7 इंटू 3.3 अपॉन 3.6 इंटू 10^2। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, 0.7 इंटू 3.3 इंटू 10^-2 अपॉन कितना रहे 36। अब इसे सॉल्व कर लेता है, 7 इंटू 33 इंटू 10^-4 अपॉन कितना रहे 36। अब 33 एंड 36 वन एंड द सेम ही है, जरा कुछ फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, तो 33 वन जा 33 एंड 33 वन जा 36 समझ लेते हैं। तो आंसर क्या चाहिए, लगभग 7 के आसपास चाहिए इंटू 10^-4। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 10^-4 है, 10^-4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह पे है, मतलब सिर्फ 10^ देख के आंसर नहीं आ रहा। तो फिर हमें मैग्नीट्यूड देखनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड कितनी चाहिए, 7 के आसपास चाहिए, 7 के मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब अब कॉम्पिटिशन लगेगी बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, तो आंसर क्या होगा। तो देखो हमने 36 जो डिनोमिनेटर था उसको 33 समझ लिया है, 36 को 33 समझ लिया, इस रेट डिवाइड कर दिया, 33 बन जा 33 बन जा 33, बराबर है। तो ये 36 होता तो डिनोमिनेटर क्या होता, 1 point something something होता, डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा होता तो आंसर 7 से निश्चित ही क्या होता, कम होता, इसलिए आंसर 7 से थोड़ा कम चाहिए, इसलिए आंसर बी इज कन्फर्म। इस तरह से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं हम बच्चों, देखिए किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे हम इसे। अब यहाँ पे द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कैरिड आउट स्टार्टिंग विथ 10 mole/L ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज 40% कंप्लीटेड इन 1 hour, इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट विथ एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5 mole/L द परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन 1 hour इज। तो पहले आवर में 40% कंप्लीट हुआ तो दूसरे आवर में भी क्या होगा रहे 40% ही कंप्लीट होगा, और ये खासियत है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज डिफरेंट, याद रखिएगा मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल फ्रैक्शन रिएक्ट होता है, तो 5 mole/L जब मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लूंगा तो उस वक्त भी एक आवर में कितना होगा 40% ही रिएक्ट होगा। तो याद रखिएगा कौन सा स्टेटमेंट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, डू यू गॉट इट। तो इस तरह से ये सवाल होगा, बहुत ही सिंपल था और पूरा कंसेप्चुअल था, बराबर है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट 99 नंबर का सवाल है, द टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 6 × 10^-3 molar इज 1 minute। तो टी हाफ की वैल्यू दी है बच्चों 27 degree Celsius पे, तो हमें रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछी है 27 degree Celsius पे। तो देखो सवाल है, द टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 6 × 10^-3 molar इज 1 minute एट 27 degree Celsius, रेट कॉन्स्टेंट एट 27 degree Celsius इन mole/dm³/s इज। तो आपको अब K और टी हाफ का रिलेशन मालूम चाहिए, टी हाफ इज इक्वल टू कैर ए जीरो अपॉन 2K है, बराबर है। तो रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए जीरो अपॉन 2x t हाफ। ए जीरो की वैल्यू कितनी है भाई, 6 × 10^-3 2, एंड टी एफ की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आएगा ये 3 × 10^-3 3 × 10^-3 आंसर चाहिए, लेकिन दूर दूर तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे हमने यूनिट की तरफ ध्यान नहीं दिया बच्चों, यहाँ पर सेकंड पूछा है, पर सेकंड पूछा है, तो यहाँ पे ये पर मिनट हो गया, सेकंड चाहिए, तो 6 × 10^-3 अपॉन 2 × 1 minute यानी कितना रहे 60 seconds, बराबर है। तो 6 × 1 = 6, 6 × 10 = 60, तो ये 1/2 × 10^ कितना होगा -4, 1/2 यानी कितना रहे 0.5 × 10^-4, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 10^-5 दिस विल बी आवर आंसर, मतलब आंसर क्या है, सी है।
तो इसका मतलब यह है कि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो यूनिट के तरफ भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑप्शन गलत हो सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर 3 × 10⁻³ ऐसा होता तो मैं झट से यही आंसर सेलेक्ट करता, आप भी होते तो यही करते, क्योंकि 3 × 10⁻³ आ गया आंसर, लेकिन यहाँ पे 3 × 10⁻⁹ नहीं था, इसलिए हमने यूनिट की तरफ देखा। तो आपको यूनिट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये 0 गिवन है, टी हाफ गिवन है, के पूछा है, तो हमने ए 0 टी हाफ और के का फार्मूला याद किया कि इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, याद किया तो ये फार्मूला याद आया, फिर वैल्यूज रखी और आंसर निकाला। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई सवाल क्या है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो पढ़ लेते हैं इसे अच्छे से पहले। इन एन अटेम्प्ट टू कंपेयर द हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी, अ साइंटिस्ट सेट असाइड 400 ग्राम ऑफ ईच, मतलब हर एक का कितना लिया है, 400-400 ग्राम लिया है। आफ्टर 3 मंथ्स द साइंटिस्ट फाउंड 25 ग्राम ऑफ ए एंड 200 ग्राम ऑफ बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज। तो देखो हमने ए के लिए देखेंगे पहले और फिर देखेंगे बी के लिए। हमने शुरुआत में दोनों के कितने कितने लिए थे, 400 ग्राम ए के एंड 400 ग्राम बी के। तो 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स लेटर, 3 मंथ्स लेटर ए का कितना बचा है, 25 ग्राम बचा है, एंड 400 ग्राम बी अगर लिया तो 3 महीने के बाद 3 मंथ्स लेटर क्या देखा है, 200 ग्राम। तो इसका मतलब टी एफ फॉर बी कितना है रे, 3 मंथ है। टी एफ फॉर बी क्या है, 3 मंथ है। अब व्हाट इज द टी एफ फॉर ए, तो हम यहां से जाएंगे तो 400 से 200 हो जाएगा पहले टी एफ में, 200 का 100 हो जाएगा दूसरे टी एफ में, और 100 का 50 हो जाएगा तीसरे टी एफ में, और 50 का 25 हो गया चौथे टी एफ में। मतलब 4 टी एफ इज इक्वल टू कितना है 3 मंथ्स है। तो फिर टी एफ इज इक्वल टू कितना होगा, 3/4, मतलब कितना, 0.75 मंथ, बराबर है। कितना होगा, टी एफ इज इक्वल टू 3/4, 0.75 मंथ। अब देखिए टी हाफ ऑफ बी 3 मंथ है एंड टी हाफ ऑफ ए कितना है भाई, 0.75 मंथ, मतलब बी का जो टी हाफ है वो ए के टी हाफ से कितना है, 4 गुना ज्यादा है। तो टी हाफ ऑफ बी इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द ए, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, सेकंड बी। हाफ लाइफ ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, समझ में, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये बराबर दिखाई दे रहा है बच्चों, द इन्वर्शन ऑफ केन शुगर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें पता है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है अपने नोट्स में। तो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर इज फर्स्ट ऑर्डर इन शुगर एंड प्रोसीड्स विथ हाफ लाइफ ऑफ 600 मिनट्स एट pH 4, तो जब pH 4 होगा तो टी हाफ कितना होगा, 600 मिनट फॉर अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। However, if pH is 5, the half-life changes to 60 minutes. जब pH equal to 5 हुआ, तो half-life changes to 60 minutes. The rate law expression for the sugar inversion can be written as. तो देखो, तो first order in a sugar है, मतलब जब मैं rate law लिखूंगा भाई, तो क्या होगा, K into concentration of sugar, sugar की power क्या होगी, 1 होगी। अगर रेट सिर्फ शुगर के ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता, मतलब रिएक्शन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर होती, तो टी हाफ उसका नहीं बदलता था। लेकिन उसने कहा कि जब मैंने पीएच बदला तो टी हाफ बदला, मतलब रेट शुगर के कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है, एच पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर। तो जब पीएच फोर था मतलब एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ था, तब टी हाफ की वैल्यू कितनी थी भाई, 600 मिनट्स। लेकिन जब मैंने पीएच 5 किया, मतलब एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ हो गया, 10 गुना कम हो गया, तो टी हाफ कितना हो गया भाई, 60 मिनट हो गया। तो एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना कम होने के बाद टी हाफ की वैल्यू क्या हो गई रे, 1/10 हो गई। टी हाफ की क्या वैल्यू क्या हो गई, 1/10 हो गई। अब जब कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना कम हुआ तो टी हाफ भी 10 गुना कम हुआ, टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन में क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। कॉन्सेंट्रेशन जब 10 गुना कम हुआ तो टी हाफ भी क्या हो गया, 10 गुना कम हो गया।
तो ये फंडा किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का बाई पावर क्या चाहिए? जीरो। तो बराबर है। तो रेट लॉ किस तरह से होना चाहिए? तो रेट लॉ में सिर्फ शुगर होना चाहिए और एच पॉजिटिव आयन होगा भी तो उसकी पावर कितनी चाहिए? जीरो। समझ में आए? तो देखो शुगर का, शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? वन है, उसने ही बता दी है। फिर उसने बताया कि टीहा पहला 600 मिनट है जब पीएच 4 था तब, और जब हमने पीएच 5 लिया तब टीहा कितना होगा? 60 मिनट। तो जब पीएच से, पीएच 4 से पीएच 5 हो गया, मतलब जब पीएच 1 यूनिट से बढ़ा तो एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना कम हो गया। 10 गुना एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो टीआप भी 10 गुना कम हुआ। मतलब टीआप एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ये किसके लिए वैलिड होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका मतलब रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एच पॉजिटिव आयन। इसलिए रेट लॉ ऐसा चाहिए, शुगर टू द पावर 1 एंड एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0। समझ में?